का डाटा कहीं चला जाएगा। अब चूंकि मेरे पास 6 स्कूल है तो बैठ कर मैं आंख से चेक कर लूंगा, लेकिन एक्चुअल गोपालगंज के पास 11,312 स्कूल है, मतलब एक्चुअल डेटा है। तो 11,312 स्कूल बैठ बैठ के चेक अगर करना ही था तो मेल मर्ज क्यों कर रहे हैं, हाथे से लिख देते, हाँ या ना? तो हमारे जो कंप्यूटर में बैठा हुआ आदमी है, जो बैंक के सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है, वो क्या अमाउंट डालने के बाद चेक करेगा कि यही अकाउंट है क्योंकि दूसरा अकाउंट है? अगर वो करिए रहा है तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? वो तो एक डिजिट गलत नहीं बर्दाश्त करेगा, साइन मगर एक डॉट भी। यहाँ से साइड मेनू आया है, इसका नाम ही है मेल मर्ज। मैं दूर वालों के लिए दिखा देता हूँ, यहाँ तो सीधे बात है कि इसका 5 स्टेज में काम होता है, लेटर, ईमेल, इनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? मैं जूम हटा देता हूँ। मेरा पहला फंक्शन यहाँ देखिए, नीचे 1-6 स्टेप भी आ रहा है। आइए दूर वाले स्टूडेंट को दिखा देता हूँ, आ रहा है? Yes, sir. कोई डाउट है? ये जब तक 6 कंप्लीट नहीं होता, लेकिन याद रखिएगा 6 यहाँ है, आपका मेन काम है, बाकी सब पर नेक्स्ट करना है, काम पड़ता है थर्ड पर, याद रखना। विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, थर्ड। ये अपना लाइन लिख लीजिए, पहले हम करवा देते हैं। अब व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू आर वर्किंग ऑन, आप किस डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं? तो लेटर है, ओके, लेटर है स्टार्टिंग मेल मर्ज, 1 आ गया। अब दूसरा आ रहा है, मैं इसको फोकस कर दे रहा हूं, आप इसको पढ़ लीजिए। व्हाट डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। आप लेटर के लिए क्या चाहते हैं, जो लेटर लिखा हुआ है वही कीजिएगा या नया बनाइएगा, और पुराना कहीं रखा हुआ तो उस दोनों के लिए ऑप्शन दिए हुए, अगर पुराना है तो थर्ड वाला, अगर कुछ नया बनाना है तो सेकंड वाला, और अभी नया जो हमारा बना बनाया है उसके लिए क्या फर्स्ट, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मुझे सेकंड स्टेप में भी कोई मेहनत, कोई दिक्कत। अब आपको यहाँ कह रहा है, या तो आप प्रीवियस पर जाइए कुछ करने के लिए, या आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट। अब आप तीसरे पर आ गए, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अभी बोले थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही आपके लिए इसी तीसरे पर ध्यान देना है, बाकी कहीं मत कुछ पढ़ो। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब यही समझ लीजिए, वो लिस्ट इसी वर्ड में है तो यहीं से उठा लेगा, ठीक। आप चाहते हैं कि कहीं और से ले तो यूज नेम एंड एड्रेस फ्रॉम ए फाइल और डेटाबेस, किसी दूसरे फाइल से लेना है तो यही आपका मेन कमांड है, दैट इज कॉल्ड ब्राउज। ब्राउज का मतलब उस फाइल को ढूंढो, कोई दिक्कत? अब हम स्टेप पर क्लिक नहीं करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, ब्राउज।